वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रतिभा द निटर। आज मैं आपके लिए लेडीज़ कार्डिगन का ये सिंगल कलर का दिखे प्यारा सा जाली वाला पैटर्न लाई हूँ। ये स्पेशली लेडीज़ कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारे डिज़ाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सिर्फ 2 रोज की डिज़ाइन है, 2 सिलाइयों की। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 के मल्टीपल में प्लस 2 फंदे ज़्यादा लेने होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 20 फंदे लिए हुए हैं, 3 के मल्टीपल में 18 और 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम बनाएंगे अपनी फर्स्ट रॉ राइट साइड से, जिस तरह से हमने यहाँ से बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है। ये हमारा एज इट स्टिच है। धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से और ये वाला फंदा अब हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करके हमने ये एक फंदा स्लिप किया। अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा हमारी तरफ ही रहेगा, तो इससे यहाँ पर हमारी एक जाली बनेगी। देखिए इस तरह से, 1 2, ये हमने 2 फंदे सीधे बनाए। अब जो फंदा हमने स्लिप किया था, देखिए यहाँ पर जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा था, पहला फंदा, इससे हम इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से इन 2 फंदों के ऊपर से गिराएंगे। अब फिर से हमने यही 3 फंदों का पैटर्न जो है इसे रिपीट करना है। देखिए किस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, या 1 फंदा स्लिप किया इस तरह से, और अब हमने 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा जो है हमारी तरफ रहेगा, तो इससे यहाँ पर हमारी जाली बनेगी। देखिए, 1 2, 2 फंदे सीधे बनाए। अब जो यहाँ पर हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है ये वाला, इसे हम इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे बिल्कुल इस तरह से। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। और जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, उतारा हुआ फंदा, इन्हें इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा, 1 2 इस तरह से। और जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, उतारा हुआ, इसे इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, 1 फंदा स्लिप किया और 2 फंदे सीधे, 1 2 इस तरह से। और जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा स्लिप करेंगे और धागा हमारी तरफ ही रहेगा और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। और जो यहाँ पर हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हम इन 2 फंदों के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। और आखिरी का फंदा बच रहा है, तो इसे हम सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से। तो देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये हमारा एज स्टिच है। अब हमने देखिए सिलाई पर धागा एक बार इस तरह से लपेटना है इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पर 3-3 के हमारे 2 ग्रुप बन गए हैं फंदों के। तो हमने देखिए ये 3-3 का है, तो हमने क्या करना है, इन 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालनी है इस तरह से, और एक बार इसे बुन लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अभी हमने 3 फंदों को सिलाई से यहाँ पर नहीं गिराया हुआ है। अब इन 3 फंदों में जो पहला फंदा है, इसे हम फिर से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, जो 3 फंदों का पहला फंदा है, इसे हम फिर से बुन लेंगे। और अब हम इन 3 फंदों को सिलाई से गिरा देंगे। तो अब हमने एज इट इज को छोड़ के, हमने जो ये पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक का, हमने यही रिपीट करना है। फिर से देखिए, धागा सिलाई पर देखिए इस तरह से लपेटेंगे एक बार, यहाँ इससे हमारी यहाँ पर जाली बनेगी। और अब जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में इस तरह सिलाई डालते हुए इसे एक बार इस तरह से देखिए बुन लिया। 3 फंदे हमने बुन लिए। अब हमने जो 3 फंदों में, देखिए 1 2 3, इन 3 फंदों में जो पहला फंदा है, इसमें हमने सिलाई डाल के इसे बुन लिया। और अब इन 3 फंदों को सिलाई से गिरा देंगे। फिर से देखिए, सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे इस तरह से और इसे बुन लेंगे। इन फंदों को हम सिलाई से नहीं गिराएंगे, 3 फंदों को, इनमें से जो पहला फंदा है, इसे हम इस तरह से सिलाई डालते हुए फिर से बुन लेंगे। तो ये वापस से हमारा 3 फंदों का 3 फंदा हो जा रहा है। फिर से सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 3 फंदों में सिलाई डालेंगे इस तरह से, एक बार बुनेंगे 3 फंदों में से। और फिर जो 3 फंदे यहाँ पर है, इनमें से पहला फंदा हम इस तरह सिलाई डालकर बुन लेंगे और इन 3 फंदों को अब हम सिलाई से गिरा देंगे। सिलाई पर धागा लपेटेंगे, 3 फंदों में सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से बुना एक साथ। अब यहाँ पर हमने 3 फंदे गिराने नहीं हैं, इनमें से पहला फंदा इस तरह जो है, इसे हम फिर से बुन लेंगे और अब हम इन 3 फंदों को गिरा देंगे। सिलाई पर धागा लपेटा,
तीन फंदों में एक साथ सिलाई डाली और उन्हें एक साथ सिलाई डालते हुए देखिए इस तरह से बुना। अब तीन फंदों को हम जो बुना हुआ है इन तीन फंदों को हम सिलाई से नहीं गिराएंगे, पहला वाला इन तीन फंदों में से जो फंदा है इसे हम फिर से बुन लेंगे और अब हम इन तीन फंदों को सिलाई से गिरा देंगे, आखिरी का फंदा उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी टू रो जो है कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा ये पैटर्न भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम इन्हीं टू रोज को रिपीट करते जाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह से बनती चली जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।